अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को अस्तर वाला डिज़ाइनर ब्लाउज बताऊंगी। देखिए ये इसका साइज़ है। सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे, लंबाई है 13 इंचेस। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे, ब्लाउज़ का शोल्डर है 13 इंचेस, लंबाई भी हमारी 13 है और शोल्डर भी 13 है, लंबाई 13 इंच और शोल्डर 13 इंच। इसके बाद हम लेंगे आर्मोल का साइज। तो इस तरह यहाँ पर जहाँ हमारा ये बगल का हिस्सा है यहाँ पर इस तरह हम आर्मोल लेंगे। आर्मोल है हमारा 6 इंचेस और हाफ इंच इसमें मार्जिन लगाएंगे तो ये 6.5 आएगा। तो इस तरह सबसे पहले हम अस्तर पर साइज ले लेंगे। ये हमारा अस्तर है। बैक साइड का मैं साइज ले रही हूँ। देखिए सबसे पहले हम इस पर लंबाई में 1 इंच मिलाते हुए ले लेंगे। लंबाई हमारी 13 इंच है, उसमें 1 इंच मिलाएंगे तो 14 इंच। तो ये हमारा हो गया ब्लाउज की लंबाई। अब हम शोल्डर लेंगे, 13 इंच है शोल्डर तो उसका आधा करते हुए 5.5 इंच। तो ये हो गया हमारा 6.5 इंच। तो ये हो गया हमारा शोल्डर। अब इसके बाद हम आर्मोल लेंगे 6.5 इंच। तो ये हमारा आर्मोल का हिस्सा थोड़ा सा बाहर की तरफ हम क्रॉस करते हुए लेंगे। तो ये हमारा आर्मोल का हिस्सा हो गया 6.5 इंच। अब हम इसका चेस्ट देखेंगे ब्लाउज़ का। बैक साइड से हम चेस्ट मापते हैं। देखिए यहाँ से बैक साइड से चेस्ट लेंगे तो ये हमारा 21 इंच है। हमने हुक नहीं लगाया हुआ है, हुक ओपन रखा हुआ है। तो 21 इंच है, 21 का आधा करते हुए हम 10.5 इंच ले लेंगे। तो ये हमारा 10.5 इंच चेस्ट हो गया। अब हम 2 इंच मार्जिन लगाएंगे। अब हम कमर की चौड़ाई लेंगे। देखिए कमर की चौड़ाई हमारी, ये जो हमारी सिलाई है यहाँ से हम मापेंगे इधर तक, तो ये है 17 इंच और इसमें से ये 2 इंच प्लेट के मिलाएंगे हम तो 19 का हाफ करते हुए हम लेंगे 9.5 का आधा 9.5 इंच। 2 इंच मार्जिन नीचे भी लगाएंगे, इसे राउंड कर लेंगे। बैक साइड हमारा डायग्राम हो चुका है, हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड का साइज हो चुका है। इसमें हमें नेक नहीं कट करना है क्योंकि हम नेक पेपर स्टिक से कट करेंगे। अब हम फ्रंट का हिस्सा निकालेंगे। फ्रंट का हिस्सा हम इससे 1 इंच बढ़कर लेंगे। इसे पलटी करके हम इस तरह रख लेंगे। देखिए नीचे से 1 इंच बढ़कर, नीचे से 1 इंच बढ़कर लेंगे और सेम शोल्डर आर्मोल। ये 1 इंच हमने बढ़कर लिया हुआ है नीचे का। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये नीचे का जो हमने लिया है निशान, इसे नहीं कट करेंगे। देखिए ये बैक साइड को हटा लेंगे हम। अब इसमें नेक कट करेंगे हम। देखिए गले की चौड़ाई लेंगे हम 3 इंच। इस तरह हम गले को माप लेंगे। गला हमारा है सामने का 6.5 इंच। तो इस तरह हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बॉक्स बना लेंगे। नीचे भी हमारा बॉक्स 3 इंच का आना चाहिए। अब इसे राउंड करते हुए नेक को हम कट कर लेंगे। देखिए हमारा ये फ्रंट का नेक, फ्रंट का नेक कट हो चुका है। अब हम क्रॉस बेल्ट लेंगे। देखिए क्रॉस बेल्ट लेने के लिए पहले हम इस प्लेट को माप लेंगे। ये प्लेट हमारी 11.5 इंच पर है रेडी। तो हम 1/2 इंच शोल्डर का 1/2 इंच मिलाते हुए 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये हमने इस तरह इसके प्लेट को मापा हुआ है। यहाँ पर हम 11.5 में 1/2 इंच माया मिलाते हुए 12 इंच। तो अब ये कितना है, देखिए 2 इंच की क्रॉस बेल्ट है, माया एक मिला के 3।
तो हमें यहाँ थोड़ा सा बढ़कर लेना है, यहाँ हम 3.5 इंच ले लेंगे इसे राउंड करने के लिए, और इस तरह इसे राउंड कर लेंगे। देखिए इस तरह हमारी नीचे की पट्टी कट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 1 इंच का शेप कट करेंगे ताकि बगल में हमारा झोल ना आए। तो इस तरह हम पट्टी कट कर ली है हमने। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा हो चुका है। अब हम इसके आस्तीन माप कर आस्तीन डालेंगे। देखिए आस्तीन की लंबाई हमारी 5 इंच है और आस्तीन की चौड़ाई 6.5 इंच है। तो ये बचे हुए कपड़े में हम आस्तीन लेंगे। पांच में 1 इंच मार्जिन मिलाते हुए हम 6 इंच लेंगे आस्तीन। पहले हम इसे सीधा कट कर लेंगे, इसके बाद 5 में 1 मार्जिन मिलाते हुए 6 इंच की लंबाई का निशान ले लेंगे और टेप को इसी तरह रखते हुए 3.5 इंच पर शेप लेंगे। अब हम कट बगल मापेंगे जो हमें आस्तीन लगाना है। देखिए इस तरह 11 इंचेस। तो यहाँ पर हमारे आस्तीन में थोड़ा सा जॉइंट आएगा। आस्तीन की चौड़ाई है 6.5 इंच, 2 इंच मार्जिन लगाएंगे, 8.5 इंच लेंगे हम, और इसे बीच में शेप देंगे। शेप देते हुए इसे इस तरह कट करेंगे। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा जॉइंट है हमारा आस्तीनों में। तो ये हमारे आस्तीन भी कट हो चुके हैं। अब हम साड़ी के कपड़े पर इस सबको रखते हुए कट कर लेंगे। देखिए इस साड़ी के कपड़े को मैं इस तरह घड़ी कर रही हूँ, एक बॉर्डर नीचे और एक बॉर्डर ऊपर। देखिए नीचे के बॉर्डर में मैं नीचे के बॉर्डर के साइड एक बैक साइड का हिस्सा निकाल रही हूँ, लेकिन हम बॉर्डर नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे, इसलिए मैं इसे कम कर रही हूँ। पूरा बॉर्डर हम नहीं लेंगे इसमें। इस तरह हम साड़ी के कपड़े को कट कर लेंगे। ये बैक साइड हो चुका है हमारा। अब हम इधर साइड के हिस्से में आस्तीन निकालेंगे। देखिए इस बॉर्डर में इसको रख लिया है हमने आस्तीनों को। अब हम आस्तीन भी कट कर लेंगे। ये हमारे आस्तीन भी कट हो चुके हैं। अब हम फ्रंट का हिस्सा कट करेंगे, इसे ओपन कर देंगे और इस फ्रंट के हिस्से को इस पर इस तरह रखते हुए कट कर लेंगे। अब ये हमारा नेक कट हो चुका है। इस तरह ये हमारा फ्रंट का हिस्सा कट हो चुका है। अब बचे हुए कपड़े में हम क्रॉस बेल्ट भी कट कर लेंगे।
देखिए इस तरह हम क्रॉस बेल्ट भी कट कर लेंगे अस्तर को रखते हुए। देखिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे इसका डिज़ाइन इस कपड़े की मदद से हम इस ब्लाउज में डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब हमारी कटिंग ये हो चुकी है, ये फ्रंट का हिस्सा, ये हमारे आस्तीन और ये बैक साइड का हिस्सा। ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें पेपर स्टिक में नेक कट करने का तरीका बताएंगे। देखिए पीछे का गला हम मापेंगे, पीछे का गला हमारा है 8 इंच, चौड़ाई हमारी इस तरह 6.5 इंच है। तो हमें ये रेडी है, तो इसका जब हम आधा करेंगे 3.2 होता है, तो हम 3 इंच की चौड़ाई लेंगे गले की, जैसा कि हमने सामने लिया है। तो पेपर का स्टिक लेंगे हम इस तरह, इसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर 3 इंच की गले की चौड़ाई लेंगे। देखिए हमारी गले की चौड़ाई 3 इंच है। इसके बाद हम गले की लंबाई लेंगे 8 इंच, लेकिन नीचे हमें गले की चौड़ाई लेना है 3.5 इंच, यानी नीचे हमें चौड़ा करना है गले को। तो इस तरह हम 3.5 इंच लेते हुए इसमें मिला लेंगे और इसे थोड़ा सा डिज़ाइन देते हुए इस तरह ले लेंगे पान शेप में। देखिए इस तरह हमने ये नेक को साइड से 1-1 इंच ले लेना है। तो इस तरह हमारा ये पान नेक रेडी हो चुका है। ऊपर 3 इंच की चौड़ाई और नीचे 3.5 इंच। इसे हम चिपका लेंगे आयरन की मदद से। देखिए हम ये दो बचे हुए टुकड़े थे अस्तर के, उसे जॉइंट कर लिया हमने पेपर स्टिक चिपकाने के लिए। और देखिए इसके अंदर चमक होती है, तो चमक का हिस्सा हम नीचे की तरफ रखेंगे और जो जिसमें चमक नहीं होती है ये हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और सेंटर में हम 6 इंच का इस तरह टेप रखेंगे। 6 इंच का टेप रखते हुए हम चौक से निशान बना लेंगे इस तरह। 6 इंच के पास हम निशान बना लेंगे और उसी निशान के पास से हम पेपर स्टिक को रखते हुए चिपका लेंगे। ऊपर हमें माया नहीं रखना है। इस तरह हम अच्छे से चिपकाते हुए अब हम यहाँ से 1/2 इंच की मार्जिंग रखते हुए इस गले को कट कर लेंगे। अंदर का कपड़ा हम बिल्कुल भी नहीं कट करेंगे, सिर्फ किनारे से हम 1/2 इंच मार्जिंग रखते हुए कट करेंगे। देखिए इस तरह हमने मार्जिंग रखते हुए इसे कट कर लिया है। अब हम इसे साड़ी के कपड़े पर भी चिपकाएंगे। ये जो साड़ी के साथ हमारा अटैच किया हुआ कपड़ा है इस कपड़े पर हम चिपका लेंगे, इस कपड़े पर हम चिपकाएंगे और इससे समोसे बनाकर लगाएंगे। देखिए डिज़ाइन बनाकर लगाने के लिए 2 इंच चौड़ाई में और 2 इंच लंबाई में इस तरह हमने इस ग्रीन कपड़े को कट कर लेना है, पूरे कपड़े को इस तरह। देखिए हमने अस्तर चिपका लिया है। अब हम उल्टे कपड़े पर, ये हमारा उल्टा कपड़ा है, इसके बीच में सेंटर में कट लगाएंगे। ये दोनों शोल्डर को हम बराबर पकड़ते हुए सेंटर में हम इस तरह कट लगा लेंगे। और ये जो हमारा पेपर स्टिक हमने चिपकाया हुआ था इसके पीछे हमने साड़ी में जो ग्रीन कलर डार्क बचा हुआ था उसे भी इस तरह लगा लिया है, क्योंकि ये कपड़ा कम था इसलिए हमने इसे जॉइंट करके लगाया है। इसके बीच में भी हम कट लगाएंगे इस तरह, इसके बीच में भी कट लगाएंगे और उल्टे कपड़े पर से, देखिए इस तरह हम उल्टे कपड़े पर से इसे रखेंगे और सेंटर में एक सिलाई लेंगे। कट से कट के ऊपर रखते हुए दोनों तरफ हमें बराबर के हिस्से में छोड़ना है कपड़ा। इस तरह हमें बीच में एक सिलाई कर लेनी है। देखिए बीच में हमारी ये सिलाई हो चुकी है। अब हमें
मार्जिन रखते हुए इसमें से कट कर लेना है, सॉरी इसके साइड से सिलाई कर लेनी है पेपर स्टिक के, साफ करते हुए पेपर स्टिक के किनारे से सिलाई करनी है। सेंटर में हम सुई को अटका देंगे। देखिए इस तरह हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम 2 पॉइंट मार्जिन रखते हुए, यानी कि थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए इस नेक को कट कर लेंगे। बीच के कपड़े को हम कट करते हुए फेंक देंगे। अब हम इसमें बारीक बारीक कट लगाएंगे, जहाँ भी हमारा राउंड है वहाँ हम कट लगाएंगे, ताकि हमारी जब गल्ला हम पलटी करें तो ये फिनिशिंग में बैठे। अब हम इसे पलटी कर लेंगे, सीधा कर लेंगे ब्लाउज को, और पीछे से इस तरह हम थोड़ा सा ग्रीन कपड़े को दिखाते हुए पाइपिंग की तरह निकाल लेंगे और इसके किनारे से सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह हमारा इसके साइड से सिलाई हो रही है। इसी तरह पूरी हम पूरे नेक को सिलाई कर लेंगे। देखिए हमारा ये नेक हो चुका है। अब हम इसे बराबर कपड़े में मार्जिन काट लेंगे, जो ज़्यादा कपड़ा है। अब देखिए इसके अंदर हम डिज़ाइन करने के लिए 2 इंच इधर से, यानी चारों तरफ से 2-2 इंच लेते हुए इस तरह कली बनाएंगे। इसे फोल्ड करेंगे और इस तरह हम इसे भी फोल्ड करते हुए इस कपड़े को उठाकर इसके नीचे से हम रखेंगे। यहाँ पर कली को इस तरह सिलाई करेंगे। इसी तरह मैंने पूरी कली बनाकर रखी हुई है, पूरे कंप्लीट कली हम इसमें लगा लेंगे। देखिए इस तरह एक एक कली लेते हुए हम इसे उठाएंगे पेपर स्टिक को, और इसके नीचे रखते हुए इसकी सिलाई कर देंगे। देखिए अब हमारी ये कलियाँ लग चुकी है। अब हम इसके ऊपर लेस से इस तरह सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह हम लेस के दोनों किनारे से सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये साइड की लेस लग चुकी है। अब हम यही लेस इसके किनारे से भी लगाएंगे इसी तरह। जहाँ पर हमारा राउंड है वहाँ लेस को हम लूज पकड़ेंगे। इसी तरह हम दोनों लेस लगा लेंगे। हमारा नेक रेडी हो चुका है। यहाँ पर पैचेस हमने लेकर लगा लिया है, और छोटे छोटे पैचेस यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं। और इस तरह डोरी हमने लिया 1 मीटर 10 रुपये में मिलती है, और ये लटकन भी हमने 40 रुपये की जोड़ी लेकर इस तरह यहाँ पर लगा लेना है। इस लटकन को हम इस पर इस तरह यहाँ सिलाई के 1 इंच छोड़ते हुए इसे सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह मेरा ये डिज़ाइनर नेक रेडी है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।